नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकाश वाघ फिर उपस्थित हूँ आप सभी दर्शकों के सामने आपके मनपसंद कार्यक्रम राशिफल में और प्यारे चैनल सिटी न्यूज़ पर। आज दिनांक 19 मई 2021 बुधवार है। आज वैशाख शुक्ल सप्तमी, आश्लेषा नक्षत्र ध्रुव योग वनिष्करण सिंह राशि, कर्क राशि का समापन आज होने वाला है, फिर सिंह राशि प्रारंभ होने वाली है। बुधाष्टमी भी आज और बुधवार और बुधाष्टमी, आश्लेषा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र का पहला चरण राजे महाराजाओं का होता है। बहुत ही भाग्यशाली लोग इस नक्षत्र के पहले चरण पर जन्म लेते हैं। जीवन भर उनके मन के अनुकूल परिस्थिति समय उनको साथ देता ही देता है, और जो भी संघर्ष जीवन में इनके शुरू होता है वो है संतान उत्पत्ति के बाद ही। तो इस आश्लेषा नक्षत्र के बारे में तो बड़ा ही गहन वर्णन है। आज जन्म लेने वाले बालकों का तो बड़ा ही अभिनंदन। बुधवार होने की वजह से आज हम माता सरस्वती का या गणेश जी का भी एक स्मरण करके आज के दिन को प्रारंभ कर सकते हैं कि गणाना त्वाम गणपति हवामहे, या हम कह सकते हैं कि या कुंदेन्तु आर विशार धौला, या हम सुबह सुबह शाम गायन भी कर सकते हैं, या संतूर सितारा सरोद वादन से स्वर्ग तोड़ना फोड़ना मरोड़ने का एक मानसिक व्यायाम करके भी आज के दिन का प्रारंभ कर ही सकते हैं। तो आज के इस बुधाष्टमी पर सबसे अच्छा करना क्या है कि बुध भाषा का ज्ञान लेना, दूसरी अच्छे शब्दों का संग्रह करना, क्योंकि करीबन हम जब वार्तालाप करते हैं तो करने की आदत होती है, ऐसा नहीं करना। हमें योग्य शब्द हमारे पास होने चाहिए। अगर हमारे पास वार्तालाप के लिए बहुत ही सही शब्दों का चयन है, भाषा का हमारे पास अच्छा ज्ञान है, और खुद के बारे में बताने की अगर प्रवृत्ति है, तो हम बुध का सम्मान करते ही करते हैं, हमारे जन्म पत्रिका बुध बहुत ही बलवत्तर होते ही होता है। तो दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम में बताएंगे कि हमारा बुध कैसे बलवान हो जाए, हम अपने आप से कैसे जुड़े रहे, हम प्रसन्नचित और खुश मिजाज और उल्लास से भरा हमारा जीवन कैसे व्यतीत करें, और मन के खिलाफ परिस्थिति हो तो उसका सामना कैसे करें। तो आज के बहुत ही सुंदर दर्शक है जिन्होंने खास प्रश्न पूछा है। दर्शक है सौभाग्यवती आदरणीय पल्लवी प्रतीक जी मालधुरे, और उनके पिताजी का नाम तो गोपाल जी है और माता जी का नाम छाया है। इनके खास सहेलियाँ भी है, सौभाग्यवती सोनाली जी मालदुरे, रुशाली जी और स्वराली जी, रीना, पूजा और कोमल जी, यह सभी सहेलियाँ पल्लवी जी के साथ एक बहुत ही सुंदर गांव, छोटा सा कस्बा जहाँ पे बहुत ही आदरणीय व्यक्ति रहते हैं पांडुरंग जी मालदुरे परिवार शिवगांव के, नित्य इस कार्यक्रम को देखते हैं। बहुत ही गौर से बताते हैं कि पंडित जी, हम आपका कार्यक्रम दो दो बार तीन तीन बार देखते हैं, हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिलती है, दिशा मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। ऐसे ही अभिप्रायों की हमें उम्मीद रहती है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगे, ताकि हम इसे आगे बढ़ा सके, आपके मन के अनुकूल कार्यक्रम निरंतर बना सके। तो इन्होंने इनके जन्म तारीख दी है 20 अप्रैल 1993, 27 साल की सुंदर उम्र है। बस अभी स्वतंत्रता का विकास होने वाला है, बस अपने भीतर का सब डर संकोच और भय को दूर करके अपने व्यक्तित्व को निखारने की ओर पल्लवी जी आपके कदम अब दौड़ने वाले हैं। आप आपके परिवार के लिए आदर्श मार्गदर्शक शिक्षक गुरु और सबको साथ लेने में माहिर बनने वाले हैं। भावनाओं को कैसे संभाला जाए, कहाँ पे चुप रहा जाए, कहाँ पे दुर्लक्ष किया जाए, कहाँ पे साथ दिया जाए, ये आपको भली भांति समझता है। आपकी आंखें बहुत प्रभावशाली है। आप अपने बातों से ज़्यादा, कुर्ती से ज़्यादा आँखों से बात कर सकते हैं। सहज परिवार जीने का आपका जो एक बड़प्पन है वह बहुत ही उल्लेख करने लायक है, जो आपको जीवन में बहुत ही शांति आनंद ज्ञान प्रदान करेगा। लेकिन आज जो आपने पूछा है कि पंडित जी, हमें एक वर्तमान ग्रहमान में कोरोना ये कब जाएगा, और कोरोना को साथ लेकर जीना है तो ये प्रतीक्षा की पीड़ा कब तक सहना है, और तब तक समय कैसे व्यतीत करना है, इस बात के बारे में बताइएगा। तो सबसे पहले एक, आज बुधवार और बुध का दिन होने की वजह से पल्लवी जी आपके जन्मपत्री में अब आप
पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। हो सकता है गांव की आप सरपंच बन जाए, हो सकता है पंचायत समिति के चुनाव में आप चुन के आ जाए, घर का व्यवहार आपको करना पड़े, क्योंकि 20 अप्रैल का जन्म मतलब जिम्मेदारियों से भरा होता है। तो आपके अब तक के समय को मौलिक रूपांतरण देने वाले हैं, आपका मूल्य बढ़ने वाला है, आपका एक नैतिक वर्धन होने के योग करीब आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बुधों को बलवान अगर हमें बनाना है तो जो लोग अपने बारे में बताते हैं उन लोगों को शुभ समझिएगा, जो लोग अपनी बातें गौर से सुनते हैं वो लोग भी बहुत अच्छे दूसरे दर्जे के सुंदर लोग होते हैं, लेकिन जो लोग आपके सामने आके तीसरे चौथे की चर्चाएं करते हैं, तीसरे चौथे के उदाहरण बताते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। ऐसे लोग व्यवहार में बहुत अच्छे नहीं होते, ऐसे लोग परचिंतन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने खुद के जीवन पे ध्यान देने में एक दिन भूल जाते हैं। तो आपने इस पीरियड में समय में भक्ति क्या करना है, सभी पूछा है पल्लवी जी। देखिए, आप कह रहे हैं कि अब तो देवताओं का कौन सी देवताओं को पूजे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सुंदर बात है, देखिए अभी बहुत सुंदर समय आया है, कोरोना पर्व है ये, या आत्म परीक्षण का पर्व है, हमें कहीं तो भी अंतर्मुख होने के लिए कहा गया है, साफ सुथरा रहने के लिए प्रवृत्त कर रहा है सारा समाज, सारा आसमंत, लेकिन हमने हमारे नाम को ही मंत्र बनाना चाहिए, ओम पल्लवी नमः, और कहना चाहिए कि मैं इस नाम में नहीं बल्कि इस मंत्र में हूँ, और अपने जीवन में कम से कम 24 ऊंची घटनाओं का निर्माण करना चाहिए कि जो बताने लायक हो कि देखो मैंने मेरे जीवन में क्या किया था। वो आपके जीवन की 24 घटनाएं आपके लिए स्तोत्र बन जाएंगी, आपके लिए पोथी भी बन जाएंगी, क्योंकि जब कभी किसी का अंत समय आता है तो हमें याद आता है हमारे जीवन में हमने सबसे अच्छा क्या किया है। अगर हमारे पास बहुत ही अच्छी अच्छी घटनाओं का संग्रह है, हमने हमारे परिवार से बहुत प्रेम किया, हमने सबको बहुत सम्मान दिया, महीने के महीने हमने सबको साथ लेकर आत्म सम्मेलन आत्म सम्मान रूपी प्रार्थना की, हमें कोई भी कभी निर्णय लेना रहा तो हमने साथ बिठाकर निर्णय लिया, ऐसे खुशी की आनंद की खबरें हमको मिलना चाहिए। जैसे ही घर में कोई जन्म लेता है उसके हिस्से का अगर कोई धन प्राप्त हो तो वो उसी पे लगाना, उसके बदले में सोना नहीं खरीदना। अगर किसी के भाग्य की वजह से, जन्म के भाग्य की वजह से कोई चीज़ मिलती है तो उसका वो धन उसी पे खर्चा करना, तो हमें धन भी सुख देगा, हमारा जीवन भी तेजस्वी बनेगा। आगे आपने पूछा है पल्लवी जी कि अभी ये कोरोना कब जाएगा। देखिए, कोरोना हमारा बहुत कम नुकसान कर रहा है, 1-2% लोगों को ही इसकी प्राणहानि हो रही है, 98% लोगों को सतर्कता के संकेत और संदेश यह कोरोना दे रहा है, इससे ज़्यादा नुकसान तो वैसे भी होते रहता है। तो कोरोना को ज़्यादा चर्चा में न रखें, उसको बुरी दृष्टि से बुरी भावना से न देखें, अपने आप को नियंत्रित ऊर्जावान बनाए रखें, हो सकता है यज्ञ करें, दिव्य वनस्पतियों का यज्ञ, आप स्वाहा बोल के अगर यज्ञ को आहुति देती है तो देवता तक पहुँच चली जाती है, क्योंकि कोरोना तो वाहन है, कोरोना सभी देवताओं का वाहन है, वाहन जब देवताओं के नियंत्रण में नहीं रहता है तो देवताएं क्या कर सकती है। तो इसलिए हमारा जब वाहन का तोल चला जाए तो हमारे साथ क्या होता है, तो इसी तरह का समय है कि प्रकृति अपना संतुलन बना रही है, कोरोना एक माध्यम है, बस इसको इस तरह से ले लो। कोरोना को सम्मान देने के लिए, कोरोना के प्रत्यर्थ घर में बिल्कुल यज्ञ करो, सभी मिलकर सामूहिक प्रार्थना करो, अपने घर को मस्त तेजस्वी बनाओ, उसकी रंग रंगोटी करो, अपने घर के स्थान रक्षक देवताओं को, द्वारपाल द्वार शक्ति को नित्य अभिनंदन करो या उसको प्रणाम करो, अपने गाँव के ग्राम देवताओं का सम्मान करो, कभी गाँव में एक परिक्रमा भी करके आ जाओ और कहो प्रकृति को कि यह भूमंडल में स्थित यह भूमि का टुकड़ा मेरा प्यारा गांव है, यही पे स्थित छोटा सा एक भूमि का टुकड़ा मेरा घर है, उसी में हम सब आत्मन रहते हैं, इसलिए हम सबको कहते हैं कि ओम आत्मस्वरूपाय नमः। तो आप एक दीर्घायु है, निरोगी है, किसी तरह का अपराध या अपघात का भय आपको नहीं है पल्लवी जी। आपका स्वभाव थोड़ा ऊँचे दर्जे का बनाए तो आपको उपलब्धियाँ होगी, नीचे दर्जे का बनाएंगे तो दुनियादारी होंगी। आपकी जो व्यवहारिक ज्ञान पद्धति, अगर उसमें थोड़ा सुधार लाएंगे तो वो भी उपलब्धि बनेंगी, नहीं लाएंगे तो वो दुनियादारी बनेंगी। हमारे
व्यवहार के आचरण की किसी भी चीज़ को ऊंचे दर्जे में लाते हैं तो उपलब्धियाँ बन जाती है, और अगर नीचे दर्जे की ओर ले जाते हैं तो वह सिर्फ दुनियादारी बनी रहती है। दुनियादारी करने वालों को एक दिन समय साथ नहीं देता, लेकिन उपलब्धि करने वालों के साथ समय सदा चलता ही चलता है, और माँ काली बड़ी प्रसन्न हो जाती है और हमें कहना पड़ता है कि ओम कालाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शवाय नमः, ओम नमः शिवाय। मतलब मैं मुझे भी नमस्कार करता हूँ, मेरे घर को भी नमस्कार करता हूँ, मेरे ग्राम देवता को भी मैं नमस्कार करता हूँ। माता काली की कृपा सब पर बनी रहे, बुद्ध का आशीर्वाद सबको मिले, बुद्धि का वरदान, विचारों का ज्ञान और अच्छे शब्दों का संग्रह आपको प्राप्त हो, और एक मनभावन आनंदमय जीवन जीने का अवसर आप सभी को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देके हम करते हैं आज के कार्यक्रम का समापन। मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात। अगर आपको कुछ पूछना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9420125770। ऑनलाइन भी भविष्य हम बताते हैं हर तरह के, चाहे गुण मिलन क्यों न हो या कोई साधना क्यों न हो, हम फोन पे ही मंत्र बोल के आपको पूरी साधनाएं सिखा देते हैं, या व्हाट्सएप पे स्क्रिप्ट भेजते हैं। फिर चाहे वो कुमारी पूजन क्यों न हो या आपके बच्चों का उपनयन संस्कार क्यों न हो, सब ऑनलाइन हम करा रहे हैं। भूसवन संस्कार भी हम ऑनलाइन करा रहे हैं, बिल्कुल तैयारी करा के स्क्रिप्ट भेज के, ऑडियो क्लिप भेज के। हर तरह के गुण मिलन का भी करा रहे हैं, विवाह संस्कार भी हम उसकी स्क्रिप्ट बेच के घर के ज्येष्ठ लोगों को ब्राह्मणत्व का संस्कार दिला के करवा रहे हैं, क्योंकि हम जब हमारे भीतर के ब्राह्मणत्व को उपलब्ध होते हैं तो हम ही पुरोहित बन जाते हैं। पौरोहित्य को हमारे भीतर स्वाभाविकता से बनाए रखना चाहिए, ताकि जो हमारे ऋतु आते हैं, ऋतु के स्वभाव आते हैं, ऋतु से जुड़े जो पर्व आते हैं, उत्सव आते हैं, उसको हम सपरिवार उत्साह से मना सकें। तो दर्शकों नमस्कार।